नमस्कार। संसद के भीतर अपने 17 मिनट के जोरदार भाषण की वजह से पूरे देश में सुर्खियों में छाए जामयांग त्सेरिंग नामग्याल ने एक बार फिर से मीडिया की सुर्खियां बटोर ली हैं। इस बार उन्हें लद्दाख की सड़कों पर हाथों में तिरंगा लहराते हुए देखा गया है। दरअसल जामयांग त्सेरिंग नामग्याल जब लद्दाख पहुंचे तो लद्दाख के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। नतीजा ये हुआ कि वो लोगों का अभिवादन देखकर अभिभूत हो गए। हमने देखा कि जब वो हाथों में तिरंगा लहरा रहे थे तब लोग उनके साथ नाच गा रहे थे, ढोल नगाड़े बज रहे थे। जामयांग त्सेरिंग ने अपने ट्विटर अकाउंट से इस वीडियो को शेयर किया है और उन्होंने लिखा है कि लद्दाख के लोग पर्यावरण को दिल से लगाते, पर्यावरण को पसंद करते हैं, इसलिए इस जश्न के माहौल में उन्होंने पटाखे ना फोड़ने का फैसला किया है। ये वही जामयांग त्सेरिंग नामग्याल हैं जो लद्दाख से सांसद हैं, बीजेपी की टिकट पर वो जीत कर आए। उन्होंने कहा है कि 2014 में लोगों ने लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए वोट किया था, 2019 में इस बात पर अमल हुआ और आखिरकार मोदी सरकार ने वो कर दिखाया है। पिछला उनका भाषण आपको याद ही होगा, जब एक जबरदस्त भाषण पर उन तमाम नेताओं के तर्क को उन्होंने जमीन के बराबर ला खड़ा किया था जो लद्दाख के बारे में अलग अलग भाषण दे रहे थे, जो लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने पर सवाल उठा रहे थे। आप इस तस्वीर को देखिए, इस वीडियो को ध्यान से देखिए और लद्दाख के लोगों की खुशी को समझने की कोशिश कीजिए। इस जश्न में शरीक होने की कोशिश करिए, आपको उनका अनुभव पता चलेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, जिस चीज़ के लिए लंबा संघर्ष किया गया, जिस चीज़ के लिए बहुत पुरानी मांग थी लद्दाख के लोगों को कि उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिलना चाहिए, और आखिरकार वो मांग जब पूरी हुई तब इस खुशी का लोग इजहार कर रहे हैं। सड़कों पर लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं और वहाँ के सांसद के हाथों में आप देखिए खुद तिरंगा है, वो तिरंगा लहराते हुए लोगों के साथ झूम रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और ये तस्वीर बताती है लद्दाख के लोगों के दिल में कितनी खुशी है सरकार के फैसले को लेकर।